नमस्कार किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यूपॉन्ट के क्रॉप मैक्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप जानकारी मिस कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने किसान भाइयों मित्रों को शेयर करें। और हमारे इस वीडियो पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे डेली खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से देख पाएंगे। और दोस्तों, अगर मन में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ड्यूपॉन्ट के क्रॉप मैक्स के बारे में। यह है एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह कौन कौन सी फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोयाबीन, मिर्च, टमाटर, गन्ना, चना, अरहर, बैंगन, चाय, धान, आलू, मूंगफली और सेब जैसी फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो वीडियो में बताई गई है उन्हीं फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं क्रॉप मैक्स का। दोस्तों, कंपनी की बात करें तो यह ड्यूपॉन्ट का प्रोडक्ट है। ड्यूपॉन्ट कंपनी का ये आता है मार्केट में, क्रॉप मैक्स नाम से अवेलेबल है किसी भी कीटनाशक खाद बीज विक्रेता की दुकान पर। और दोस्तों, कहेंगे कि वीडियो में बताई गई फसलों में क्रॉप मैक्स का स्प्रे करने से क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, फसल को महत्वपूर्ण पोषण देता है और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, पौधों का जोरदार विकास करता है, स्वस्थ फसल देखने को मिलती है, बेहतर फल फूल और फली का ठहराव करता है, पैदावार बेहतर और एक समान गुणवत्ता की देखी जाती है। दोस्तों, क्रॉप मैक्स की कार्यविधि के बारे में भी बात कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्रॉप मैक्स किस तरीके से कार्य करता है, तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जड़ों से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है ताकि पौधों का संपूर्ण विकास हो सके, फसलों के विकास के महत्वपूर्ण अवस्थाओं में सहयोग करता है और संतुलित पोषण का स्तर कायम रखता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण और एंटीऑक्सीडेंट की प्रक्रिया तेज कर फ्री रेडिकल्स के बुरे प्रभावों को कम करता है ताकि पौधा हरा भरा रह सके, वातावरण से होने वाले तनाव जैसे भीषण गर्मी, पाला, सूखे से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाता है, पौधों के मेटाबॉलिज्म को उत्प्रेरित करके फसल की गुणवत्ता बढ़ाता है। और दोस्तों, इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो डोज है 250 ml आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होता है। एक टंकी 15 लीटर पानी की बात करें तो 30 से 35 ml एक 15 लीटर पानी की टंकी में आप घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों, कुछ ध्यान देने योग्य विशेष बातों पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्रॉप मैक्स का प्रयोग की वीडियो में बताए गए अनुसार उन्हीं फसलों पर इसका छिड़काव करें और पानी की मात्रा सही रखें। प्रयोग से पहले कृपया लेबल निर्देश पढ़ें, लीफलेट सही से पढ़ लें और उन पर अमल करें। सबसे अच्छे परिणाम के लिए इसका प्रयोग सुबह या शाम करें, दोपहर की गर्मी या तेज हवा की स्थिति में इसका प्रयोग ना करें। इसके प्रयोग के 4 घंटे के अंदर अगर बारिश होती है तो इसका असर कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि ऐसी स्थिति में आप स्प्रे कर रहे हैं कि बारिश होने वाली है तो आप सिलिकॉन चिपको का प्रयोग अवश्य करें। उत्पाद के रखरखाव और इस्तेमाल के समय सुरक्षा पोशाक जैसे मास्क, दस्ताने और चश्मे अवश्य पहने। हवा के विपरीत दिशा में स्प्रे ना करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया ड्यूपॉन्ट के क्रॉप मैक्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें डेली खेतीवाड़ी। नमस्कार।